ओके सो गाइज, ये है रियलमी C55 स्मार्टफोन। वैसे आज वीडियो घर में शूट कर रहा हूँ, अगर आपको बाहर दिखाऊँ, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, अब धूप में कौन वीडियो शूट करेगा। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि भाई इस स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करो और चार्जिंग टेस्ट करो और हमें बताओ कि एक बार अगर हम इसे 100% चार्ज कर देते हैं तो कितने टाइम का बैकअप देता है और चार्जिंग होने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। और हाँ, बैकग्राउंड के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर मैं वीडियो शूट करता था, बट यहाँ पे आप देखोगे सारा पेंट यहाँ पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है, इसको एक अच्छा सा पेंट कराएंगे, थोड़ा सेटअप यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर सेटअप पर ही वो वीडियो शूट हुई मिलेगी गाइस। लेकिन गाइस चलो आज के इस वीडियो में इस स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं, चार्जिंग टेस्ट करते हैं, एंड मैं आपको बताता हूं कि 100% चार्ज करने के बाद यह हमें कितना बैकअप दे देता है। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए सोच रहे हो, वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेकटॉक। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए जो टाइम हो रहा है 10:17 हो रहा है, 100% स्मार्टफोन फुल चार्ज है गाइस। अब हम क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से चलेंगे। अब मैं इसे सुबह, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर देखोगे 10:17 से मैं इस स्मार्टफोन को यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेब सीरीज डाउनलोड किया है, वो वेब सीरीज मैं पूरा देखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो बैटरी परसेंटेज है गाइस वो कितने पर आया है। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने वेब सीरीज को प्ले कर दिया है, एंड यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल देखेंगे फुल है, एंड वॉल्यूम को भी देखेंगे 100% पे है। ओके सो गाइज, मैं बहुत थक गया हूँ। इस स्मार्टफोन को मैंने कंटिन्यू 5 घंटा यूज़ किया गाइज। यहाँ पर मैं एक वेब सीरीज देख रहा था और 5 घंटा कंटिन्यू वेब सीरीज देखने के बाद मेरे आंखों में इस समय जलन हो रहा है गाइज। मैंने इस स्मार्टफोन को 10:30 से यूज़ करना स्टार्ट किया था। अभी जो टाइमिंग हो रहा है आप देख सकते हो 15:34 हो रहे, मतलब यहाँ पर 3:30 बज रहे गाइज। तो यहाँ पर 10:30 से 3:30 के बीच हो गए 5 घंटे। 5 घंटे इस स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज देखोगे, अभी 50% बैटरी परसेंटेज है, मतलब आधा बैटरी उतरा है, आधा बैटरी अभी बाकी है, मतलब अभी इस स्मार्टफोन को और मुझे यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने 5 घंटा कंटिन्यू वेब सीरीज़ देखा है, मेरे आँखों में इस समय जलन हो रहा है। अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग करते हैं, और यहाँ पर मैं गेमिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी परसेंटेज कितना आता है और मैं कितने घंटे गेमिंग करता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने 5 घंटा यहाँ पर वेब सीरीज देखा है, मेरे आंखों में हो रहा है जलन, अब मैं गेम खेलने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेम को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर अगर ब्राइटनेस करूँ तो यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस को फुल कर दिया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को मैं फुल कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं गेम खेलने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं किसी और को दे देता हूँ गेम खेलने के लिए, वो खेलेगा। ओके सो गाइस, फाइनली 2 घंटा गेमिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने कंटिन्यू इस स्मार्टफोन में गेमिंग किया, वो भी 2 घंटे। एंड यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 17:32, यानी जो टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने गेमिंग करना स्टार्ट किया 3:30 बजे से गेमिंग करना स्टार्ट किया, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए 5:30 हो रहे हैं। 2 घंटे गेमिंग करने के बाद जो बैटरी परसेंटेज है गाइस, यहाँ पर अगर बैटरी परसेंटेज आप देखेंगे 19% है, अभी 19% बचा हुआ है। इस स्मार्टफोन को यूज़ करते करते मैं थक गया हूँ। यहाँ पर मैंने 7 घंटा कंटिन्यू से यूज़ किया है विदाउट किसी ब्रेक के, 7 घंटे सुबह से ही मैं इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ओके सो गाइस, फाइनली आ गया हूँ छत पे, और यहाँ पे देखोगे शाम हो गया है, सुबह से वीडियो बना रहा हूँ अभी तक शाम हो गया है। अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर 19% है बैटरी, यहाँ पर देखता हूँ अभी 18 हो गया, अगर आप लोग को दिखे 18% बैटरी हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक मूवी है गाइज, उस मूवी को कंटिन्यू प्ले करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मूवी मैंने प्ले कर दिया है, 1 मिनट। ओके तो ये प्ले हो चुका है मूवी।
यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्मार्टफोन के अंदर मैंने एक घंटा मूवी प्ले किया। एक घंटा मूवी प्ले करने के बाद अभी जो टाइमिंग हो रहा है यहाँ पर देखो 18:19 यानी 6:30 बज रहे हैं, 6:20 हो रहा है। बैटरी परसेंटेज 10% पे आ गया, यहाँ पर 10% बैटरी बची हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सूरज भी डूब चुका है। अब यहाँ पर गाइस जो ये 10% बचा हुआ है चलो इसे भी ख़त्म करते हैं एंड अब देखते हैं चार्जिंग टेस्ट। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है यहाँ पर 2% पे आ गया है एंड यहाँ पर मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है इसमें मैं टाइम सेट कर दूंगा। अब इसे मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ आप लोगों के सामने एंड गाइज यहाँ पे चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ पे देखिए टाइम कैप्सूल बताने लगा, यहाँ पर 2% चार्ज है। ओके तो यहाँ पे हम टाइम सेट कर देते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% हमारा स्मार्टफोन फुल चार्ज हो गया है, यहाँ पे 100% शो कर रहा है। जो मुझे टाइम लगा इस स्मार्टफोन को 100% चार्ज करने में यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे गाइज तो यहाँ पे टोटल 70 मिनट लगा है इस स्मार्टफोन को 100% चार्ज करने के लिए। 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट। ओके सो गाइज फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट के ऊपर और चार्जिंग टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर ड्रेन टेस्ट के बारे में बात करें आपको पता है कि 100% मैंने चार्ज करके इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था, लगभग 8.5 घंटे मुझे लग गए इस स्मार्टफोन को 0% तक लाते। तो यहाँ पर इसके अंदर जो बैकअप है गाइस बैकअप काफ़ी तगड़ा है क्योंकि अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करते हो तो आप कंटिन्यू नहीं यूज़ करोगे, आप ब्रेक ले लेके यूज़ करोगे तो 15-16 घंटे का बैकअप ये स्मार्टफोन आपको बड़े आराम से दे देगा। और यहाँ पर देखो वीडियो बनाते बनाते रात हो गया, मैंने शुरुआत की थी सुबह से और यहाँ पे अभी रात हो गया गाइस। और यहाँ पर बात करें चार्जिंग के बारे में, अगर ये स्मार्टफोन 0% पे है 100% तक चार्ज करोगे तो आपको 70 मिनट लग जाएंगे, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो गाइस फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी गाइस और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब अगर कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैंने कोई गलती किया हो तो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मुझे बताओ, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही।